हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हाल में मोदी सरकार ने 18 बैंकों में डुबाए LIC के हजारों करोड़, उद्योगपतियों से हुए नुकसान की जनता से भरपाई। मोदी सरकार लगातार जनता का पैसा उद्योगपतियों के लोन का बोझ खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सामने आई। सरकार लगातार उद्योगपतियों से कर्ज वसूलने की बजाय जनता के हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के कर्ज में डूबते बैंक में लगा रही है। हाल ही में सरकार ने NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बर्बाद हो रहे IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी जीवन बीमा निगम को बेचने का फैसला कर चुकी है। LIC अपने पास जमा पूंजी के जरिए IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को खरीदेगा। मार्च में खत्म हुई तिमाही में IDBI बैंक का NPA बढ़कर 55,600 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च को समाप्त तिमाही में बैंक ने 5,663 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया। बता दें कि विजय माल्या पर भी इसी बैंक का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार LIC का पैसा तब IDBI बैंक में लगा रही है जब पहले ही वो LIC के हजारों करोड़ अन्य बैंकों में डुबा चुकी है। इन बैंकों का NPA लगातार बढ़ता जा रहा है। NPA बैंकों का वो लोन होता है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। कई रिपोर्टों के अनुसार इस कर्ज में 70% हिस्सा उद्योगपतियों का है। बैंक घोटालों के कारण ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2.5 सालों में सरकार LIC का पैसा 21 सरकारी बैंकों में लगा चुकी है, जिनमें से 18 में उसका पैसा डूब गया। विजय बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी सभी बैंकों में उसे नुकसान ही हुआ। LIC ने इलाहाबाद बैंक में 10%, कॉरपोरेशन बैंक में 13% और पंजाब नेशनल बैंक में 14% की हिस्सेदारी खरीदी है। गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में ही हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने दिवालिया होने जा रहे बैंक IDBI के घाटे की भरपाई LIC के पैसे से करने की सरकार की कवायद का विरोध किया है। भाकपा ने कहा कि LIC में जनता की बचत का पैसा जमा किया जाता है और इस जमा पूंजी में से 13,000 करोड़ रुपए की मदद राशि IDBI बैंक को जारी की जाएगी। भाकपा ने दलील दी है कि कानून के तहत LIC बैंकिंग कारोबार के लिए नहीं बनी। कानून की इस बाधा को दूर करने के लिए मोदी सरकार आनन फानन में नियमों में बदलाव करने पर दबाव डाल रही है। पार्टी ने जनता की बचत राशि से बैंकों की डूबी रकम की भरपाई करने के लिए कदम से बचने की सरकार से मांग की है। बता दें कि LIC के पास 25 करोड़ लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी है, जिन्होंने LIC से करीब 30 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। LIC के पास सालाना करीब 3,00,000 करोड़ का प्रीमियम जमा होता है। विश्व कप जिताने वाला व्यक्ति DDCA के चुनाव हार गया और जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अलका लांबा। जातिवाद और परिवारवाद के बाद एक नया वाद लॉन्च हुआ है जिसका नाम है दोस्तीवाद। 27 से 30 जून को DDCA कार्यकारिणी के लिए चुनाव हुए थे। DDCA यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के करीबी दोस्त वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा DDCA के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। इतना ही नहीं, रजत शर्मा के ग्रुप ने सभी 12 सीटों पर जीत हासिल की है। रजत शर्मा ने ये जीत 1983 में विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे मदन लाल को हराकर हासिल की है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में रजत शर्मा को 1,521 वोट मिले। वहीं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मदन लाल को 1,004 वोट मिले, यानी मदन लाल को 517 वोट से हरा गए। जनसत्ता ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि DDCA के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर कहा, रजत शर्मा को एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का समर्थन मिलने के साथ ही किसी दूसरे उम्मीदवार के चुनाव जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी।
बता दें कि रजत शर्मा के करीबी दोस्त अरुण जेटली भी वर्ष 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। रजत शर्मा की जीत पर दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने ट्वीट किया है कि विडंबना देखिए, एक चैनल चलाने वाला जिसने शायद कभी बल्ला ही नहीं पकड़ा, वो डीडीसीए का अध्यक्ष चुना जाता है और जिस लेजेंडरी क्रिकेटर मदन लाल ने देश को पहला विश्व कप जिताया वो चुनाव हार जाता है। खासकर महान खिलाड़ियों की अपील के बाद कौन कहता है कि लोकतंत्र में वोट और ईमान नहीं बिकता। महाराष्ट्र लिंचिंग पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा भीड़ को भेड़िया बनने से रोके बीजेपी सरकार। बीजेपी शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र के धुले जिले से जिस तरह से बच्चा चोरी के शक में एक गांव के लोगों ने 5 लोगों को पीट पीट कर मार डाला, अब इस मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को जमकर लताड़ा। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र में हुए मॉब लिंचिंग पर कहा कि कानून के राज में कमी के चलते आज न्यू इंडिया में हम सभी को भीड़ द्वारा हत्या जैसी बर्बरता देखनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब सामाजिक असंतुलन होता है, जब मतभेद और मनभेद का वातावरण बनाया जाता है, तब हमेशा गरीब लोग ही उसके दुष्परिणाम का शिकार बन जाते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र से लेकर त्रिपुरा तक और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जैसे प्रदेश में लिंच की घटनाएं सामने आई हैं, जो कि बेहद ही चिंताजनक विषय है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 4 सालों में नया लाइसेंस जारी किया है, वो है असहिष्णुता का। उन्होंने कहा कि संकेतात्मक प्रतीकात्मक संदेश क्या है, आप असहिष्णुता को बढ़ावा देंगे तो दंड के भागी नहीं होंगे। भीड़ को भेड़िया बनने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रवृत्ति इस देश के लिए काफी खतरनाक है। सिंघवी ने कहा, आज देश में ऐसा वातावरण बन गया है जो मैं कहता हूँ उसकी अतिशयोक्ति करके सही मान लिया जाता है। सुरक्षा के मोर्चे पर नाकाम शिवराज सरकार, आंकड़े में खुलासा, सूबे में हर दिन होते हैं 13 रेप। महिला सुरक्षा को लेकर द थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे को भले ही केंद्र की बीजेपी सरकार गलत बता रही हो, लेकिन इस सर्वे में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा मध्य प्रदेश के रेप के ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले 120 दिन में 1,554 रेप की घटनाएं हुई। साल 2018 में 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक महिलाओं और नाबालिगों से 1,554 ज्यादती के मामले दर्ज किए गए, यानी प्रदेश में हर दिन करीब 13 रेप की घटनाएं हो रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा भोपाल में 105 रेप के केस दर्ज किए गए। इसके बाद इंदौर में 82 रेप, जबलपुर में 72 और ग्वालियर में 59 मामले सामने आए। ये आंकड़े द थॉमसन रॉयटर्स के सर्वे को गलत ठहराने वालों के लिए जरूर चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन रेप के मामलों में मध्य प्रदेश के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इस पर ज्यादा चौंकना ठीक नहीं। बात पिछले साल की करें तो 2017 में ज्यादती के 5,310 मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हर दिन ज्यादती की लगभग 15 घटनाएं हुई। 5,000 का आंकड़ा पार करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है। सूबे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 100 से लेकर मैत्री मोबाइल, शक्ति स्क्वाड, महिला PCR, वी केयर फॉर यू महिला थाना व अन्य फोरम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश रेप के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 15 सालों से सरकार है। बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे भी करती है और बेटी बचाओ जैसे नारे बुलंद करती है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में हर साल रेप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं कि राज्य की शिवराज सरकार रेप की वारदातों को रोकने में नाकाम रही है। मीडिया पर नजर, बीजेपी समर्थित सांसद सुभाष चंद्रा का, जी मीडिया क्यों देश को बेवकूफ बना रहा है। मीडिया अब खुलकर सत्ता की गुलामी कर रही है, कुछ भी छिपा नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया की उपाधि को पूरी बेशर्मी से स्वीकार कर चुकी है।
जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तब मीडिया का रुख क्या था? जून 2018 में जब बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया तब मीडिया का रुख क्या था? और आज जब कांग्रेस और पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं तब मीडिया का रुख क्या है? इन तीन परिस्थितियों का मूल्यांकन कर लीजिए, आपको मेनस्ट्रीम मीडिया बीजेपी आईटी सेल की तरह नजर आने लगेगा। बीजेपी ने जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तो इसे राष्ट्र के हित में गठबंधन बताया गया। मीडिया बीजेपी पीडीपी गठबंधन को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। मीडिया के लिए महबूबा मुफ्ती दूरदर्शी नेता बन गई थी, लेकिन जैसे ही कथित राष्ट्रहित में बनाया गया गठबंधन बीजेपी ने तोड़ा, महबूबा मुफ्ती मीडिया में आतंकी समर्थ हो गई। जब 3 साल तक बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार चलाई तब महबूबा मीडिया के लिए आतंकी नहीं थी। मीडिया वही दोहराता है जो बीजेपी बोलती है। अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पीडीपी की सरकार बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी इसे गठबंधन बता रही है और मीडिया उस पर बात को दोहरा रही है। जी न्यूज के चर्चित शो ताल ठोके में आज का टॉपिक था सेना के खिलाफ महबूबा राहुल का गठबंधन, ये हद दर्जे की दलाली है। सवाल उठता है कि बीजेपी पीडीपी के 4 साल का गठबंधन सेना के खिलाफ कैसे नहीं था, और नहीं था कांग्रेस का गठबंधन सेना के खिलाफ कैसे है फिर? 3 साल तक पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी ने जब पीडीपी से गठबंधन तोड़ा तो जी न्यूज के शो का टॉपिक था मोदी के लिए राज से बड़ा राष्ट्रधर्म। जबकि यही जी न्यूज गठबंधन टूटने से पहले कश्मीर में बीजेपी के काम की तारीफ कर रहा था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।